रविवार को ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने मंडी शहर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शहर की वीरमंडल संस्था के आह्वान पर उनके क्षेत्र का दौरा किया और जन समस्याओं को सुना और मंडी शहर के विकास को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि मंडी शहर और प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मार्च अप्रैल तक विक्टोरिया पुल के साथ पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिससे बाईपास के माध्यम से ट्रैफिक की समस्या का समाधान किया जा सकता है। वीरमंडल के माध्यम से जो है आज प्रोग्राम रखा गया था, क्योंकि शहर के अंदर बहुत से कार्यक्रम प्रोग्राम हमारे विकास के हो सकते हैं, उसी को देखने के लिए आज आए थे। वीरमंडल का मैं आभारी हूँ, उन्होंने आज कार्यक्रम रखा और उसमें सिविल बॉडी को हम रेनोवेट कर कैसे कर सकते हैं, उसमें उसको भी हम और पुल के निर्माण के लिए भी, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम मंडी शहर के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट आप लाओ, तो उसके लिए हमारा जो आज कार्यक्रम था और उसमें देखा कि हमारे जितने भी मंडी, क्योंकि मंडी हमारी छोटी काशी के नाम से जानी जाती है, जिसमें शमशान घाट का काम चला हुआ है, आरती का काम भी शुरू कर दिया है, वहाँ भी आरती का भी काम शुरू किया है। हमारा सबसे बड़ा फोकस है कि मंडी में ट्रैफिक को कैसे हम कम करें, बाहर बाहर से रोड बने और जिसमें शहर के अंदर ट्रैफिक कम आए, उसके लिए हमारा जो है काम हमारा है। उसमें डिपार्टमेंट के सभी लोग यहाँ आए हुए और हम देखते हैं, क्योंकि पहले हमारे यहाँ था एक प्रोजेक्ट कि हम यहाँ पर डैम बनाकर, परंतु चेक डैम बनाकर जो है घाट बनाया जाए, और एक टूरिज्म के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को हमने बना भी दिया था, परंतु बरसात में हमने देखा कि इसमें पॉसिबल नहीं बन पा रहा है। तो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट था हमारा, तो उसके एवज में हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहे हैं, जिसमें इस मंडी को हम इसको ठीक तरीके से कर सकें। तो अब हम आज सर्वे भी कर रहे हैं और इसके ऊपर जल्द से जल्द एक हम DPR बनाएंगे और इसके ऊपर फिर हम काम शुरू करेंगे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आज सभी शहर के लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी चीज़ों को हम अहमियत देकर जो है कर सकें। तो बहुत सी बातें मंडी शहर के अंदर, जैसे आप हेलीपैड का काम चला हुआ है, वैसे हमारा मंडी पे पार्किंग का काम चला हुआ है, स्क्रिटी में जो वहाँ रेडी मार्केट का हमने काम शुरू कर दिया, टेंडर हो चुके हैं और काम शुरू कर दिया उसमें, तो ये नई इनोवेशन थी मेरी। और अभी बहुत जल्दी हम बाईपास का काम शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारा ब्रिज बन रहा है मंडी के अंदर विक्टोरिया के साथ, ये मार्च अप्रैल तक हमारा ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा। और मैंने उसमें जो है एक और प्रपोजल मेरे पास आई है, जो ये जो नीचे हमारा ग्राउंड है इसको 4-5 करोड़ पे हम क्रिएट वायर फेंसिंग से भी एक मेरे बोर्ड के माध्यम से ही, हमारा जो प्रोजेक्ट करता है इलेक्ट्रिक बोर्ड में, उन्होंने इस बात को लाया है कि उसके माध्यम से हम इस ग्राउंड को भी बना सकते हैं। तो बहुत सी स्कीमें हैं और बाईपास का, जैसे मैंने कहा कि MLA प्रॉटी में डाला है, तो बाईपास का भी हम नबार्ड को इसको जल्दी भेजने जा रहे हैं। 25 करोड़ रुपया मेरा नबार्ड विधायक प्राथमिकता में 90 करोड़ रुपये मिलता है, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं आपने इतना बड़ा काम जो मंडी, क्योंकि 25 करोड़ तो मेरे को इसको देना पड़ा आपको बीच के पास, तो इसलिए मेरा प्रायोरिटी है कि अब गांव के साथ शहर के अंदर हमारे को काम हो। तो इसलिए आज मैं आभारी हूँ कि आज हम सभी हम लोग इकट्ठे होकर इसको देख रहे हैं।